हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं हरे धनिए की चटनी लेके आई हूँ फ्रेंड्स, आसान तरीके से और नए ट्रिक में और स्वादिष्ट हरे धनिए की चटनी मैं लेके आई हुई हूँ। देखिए, इधर हम एक मुट्ठा लगभग हम हरे धनिया ले लिए हैं, इधर एक गांठ हम लहसुन लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं और अदरक लिए हैं। चलिए सबको काट के छील के लाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्लेट में हम काट छील लिए हैं, हरे धनिए को भी काट लिए हैं, अदरक को भी काट लिए हैं, मिर्ची को भी काट लिए हैं, लहसुन को भी छील लिए हैं और इधर एक चम्मच हम जीरा लिए हैं फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से भून लिए हैं, इसको भून ही लेना फ्रेंड्स। भूनने के बाद इसका जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चलिए मिक्सी लाते हैं, उसके बाद पीसते हैं, दिखाते हैं उसके पास। देखिए फ्रेंड्स, हम मिक्सी में सब चीज़ों को डाल दिए हैं। अब जो रोस्ट करके रखे थे जीरा, उसको भी डाल देंगे। लगभग 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें पानी डाल के पीस के लाते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम पीस के लेके आ गए हैं, देख सकते हैं हरे धनिया की हरे हरे चटनी। चलिए अब इसमें कटोरी में निकाल लेते हैं। आगे मैं और बताती हूँ इसमें क्या क्या डालना है, जो कि हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी का। चलिए सबको कटोरी में कर लेते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब जो भी ढक्कन में लगा हुआ था उसे भी ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, जो घर में वाइट नमक जो खाते वो नहीं डालना फ्रेंड्स, जो मसांधा नमक रहता है ना, जिसे काला नमक भी बोलते हैं, उसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसमें 1 चम्मच भर के हम सरसों तेल डाल रहे हैं, वो कच्चा तेल डालेंगे फ्रेंड्स। इसमें कच्चा सरसों तेल डाल दिए हैं। अब इसमें चटनी में अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से, तो ज़रूर मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मिला लिए हैं, मिल के तैयार है। इस ठंडा में तो अब बहुत आसान तरीके से हरा धनिया मार्केट में मिल जाता है, तो आप लोग भी लाइए, बनाइए और हरे धनिया की चटनी बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा।